आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी ने जिला सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी निजी स्कूलों में 3 माह की फीस माफ करने के लिए और टीचर व कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान की पूरी सैलरी देने की अपील की गई है। इसके साथ ही ज्ञापन में निजी स्कूलों की 3 साल की बैलेंस शीट की जांच की मांग की गई है। इस व्यवस्था को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने का प्रावधान लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 महीने की फीस व प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा प्राइवेट टीचरों को वेतन दिए जाने की मांग रखी है। इन सभी मांगों के बीच प्राइवेट स्कूल संचालकों की 1 वर्ष की पैदा या इनकम कितनी है उसका ब्यौरा भी मांगा है इस ज्ञापन के द्वारा। कई सारे मुद्दे हैं जिनमें लेकर के पार्टी ने अपनी विचारधारा या अपना प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखा है ज्ञापन के माध्यम से, और हमें उम्मीद है कि स्कूलों की फीस माफ कराई जाएगी। और दूसरा ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री व राज्यपाल महोदय के नाम से दिया है, जिसमें अभी हालांकि कीरा के जौनपुर में नेहा निषाद हत्याकांड हुआ था, जिसमें हालांकि में उनके आरोपियों को पकड़ा गया है, लेकिन उन आरोपियों को बचाने के लिए प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मनोज यादव उन आरोपियों को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। मैं प्रशासन से व सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि पर तत्काल कड़ी कार्रवाई कर उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। वह निषाद की बेटी नेहा निषाद को उचित मुआवजा दे व परिवार के 1 मेंबर को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करता हूँ। वह आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा इस कार्रवाई में आगे अगर कोई भी नेहा निषाद की हत्याकांड में लेकर के बचाव पक्ष में उतरेगा तो उसके लिए पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जय हिंद।